ये बर्थडे केक नहीं बल्कि एक हेल्दी केक जो बहुत ही टेस्टी नाश्ता है और फटाफट बहुत आसानी से बन जाता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डील विद लाइफ। आइए ये डिलीशियस हेल्दी केक बनाते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ मैं ले रही हूँ एक प्याज, एक टमाटर, थोड़ा सा धनिया, एक शिमला मिर्च, एक गाजर और थोड़ी बीन्स और एक हरी मिर्च। ये सब मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं। और एक कटोरी सूजी और एक बड़ी कटोरी फ्रेश दही लेना है। अब मैंने ये एक बड़ा बाउल लिया है, इसमें सूजी डाली है और दही की मदद से एक घोल बना लेंगे। दही थोड़ा थोड़ा करके सूजी में मिलाना है, ज़्यादा एक साथ मिलाने से गांठ आ जाती हैं, इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा मिला के एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे। ये बैटर हमें ना तो ज़्यादा गाढ़ा रखना है ना ही पतला। ये देखिए, ये कुछ इस तरह का बैटर हमें तैयार कर लेना है। अब ये सारी सब्जियां हम इसमें डाल देंगे और नमक डालना है हमें अपने स्वाद के अनुसार। यहाँ मैं 1.5 चम्मच के करीब नमक डाल रही हूँ और ये सब हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसके लिए एक तड़का तैयार करेंगे और 1 चम्मच घी में यहाँ मैं थोड़ी सी राई या सरसों कहते हैं जिसे, और कड़ी पत्ता और गैस बंद करके मैं ये 1/2 चम्मच इनो डाल रही हूँ। अब ये तड़का है जो वो जो हमने बैटर तैयार किया था उसमें मैंने ये डाल दिया है। अब ये सब एक साथ अच्छे से मिला लेंगे। अब एक ये नॉन स्टिक पैन लेंगे और गैस ऑन कर देंगे और करीब 1/2 चम्मच घी या रिफाइंड से इसको ग्रीस कर लेंगे। अब ये जो हमारा बैटर तैयार हुआ था सूजी और सारी सब्जियां मिला के, ये हम इस नॉन स्टिक पैन में डाल लेंगे और थोड़ा हिलाते हुए इसको इकसार सा कर लेंगे और गैस को स्लो करके इसे ढक के इसको पकने देंगे हम। और अंदाज़ा ये 15 मिनट स्लो गैस पे पकने के बाद, ये देखिए चाकू डाल के इसको देखेंगे तो ये देखिए चिपक नहीं रहा चाकू, और ये साइड से ऐसा हमारा ब्राउन सा कलर आ जाए, थोड़ा अच्छा सा ब्राउन, तो ये समझिए ये तैयार हो गया है। अब हम एक प्लेट लेके उसके ऊपर ऐसे उल्टा करके इसको पलट लेंगे। तो ये देखिए ये कितना सुंदर सा तैयार हो गया केक हमारा सूजी का। और इसे हरी चटनी और टमाटो केचप के साथ आप खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है और एकदम हेल्दी है। जो लोग डाइटिंग कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो फ्रेंड इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है ये। ये देखिए, तो फ्रेंड्स एंजॉय एंड बाय।